तो गाइज आज मैं आपको माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के तीन ऐसे स्कैरी सीड्स बताने वाला हूँ जो कि सही में बहुत ही ज्यादा डेंजरस होने वाले हैं। और थर्ड वाले सीड में तो आपको एनडीटी 303 मॉब भी देखने के लिए मिलेगा। तो बढ़ते हैं हमारे सीड नंबर वन की तरफ। तो सीड नंबर वन है हमारा .exe। जी हाँ, ये एक अल्फाबेटिकल सीड है। माइनक्राफ्ट इसको खुद ही नंबर्स में चेंज कर सकता है। और प्लेयर्स का कहना है कि इस सीड में एक क्रिएचर घूमता रहता है और काफी बार इसमें रेड रेन भी होती हुई दिखाई दी है। और इसमें मॉब्स के टेक्सचर्स भी बदल जाते हैं, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दूंगा। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सीड है, ट्राई जरूर करना। तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड सीड की तरफ, जो कि होने वाला हमारा किलर विलेजर। तो सिंपल सा, आपको यहाँ पर विलेज में जाना है। वहां पर जो भी विलेजर्स होंगे वो आप पर अटैक करने वाले हैं, और ये सीड मैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दूंगा। तो बढ़ते हैं हमारे लास्ट सीड की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस माना जाता है और बहुत ही ज्यादा फेमस सीड है। और इस सीड के बारे में आपने बहुत सुना होगा और बहुत काफी यूट्यूबर्स की वीडियोस भी देखी होंगी, जो कि है 666। इस सीड में प्लेयर्स ने एंटिटी 303 को काफी बार देखा है। गाइज इस सीड में आपको तरह तरह के स्ट्रक्चर्स भी देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब होंगे। और इस सीड में काफी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी होती हैं, जैसे टॉर्च का रेडस्टोन टॉर्च में बदल जाना, बहुत ही ज्यादा क्रीपी क्रीपी आवाजें आती हैं। इन तीनों सीड्स की लिस्ट मैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दूंगा, जाकर ट्राई जरूर करना और कमेंट करना मत भूलना। और स्कैरी सीड्स की और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। टाटा।